दोस्तों, मेरा बचपन से सपना था कि मैं पायलट बनूं और आप लोगों के प्यार और दुलार ने मुझे पायलट के साथ साथ पूरी एयरलाइन का मालिक बना दिया है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एक चोर चेत कतरा लुटेरा पायलट कैसे बन सकता है? मुझे भी लगता है कि दाल में कुछ काला है। चोर के मामले में जरूर कोई ना कोई गड़बड़ी है। मैं चोर से पायलट बना, इसके पीछे इंस्पेक्टर चिंगम का बहुत बड़ा हाथ है। वो हमेशा मुझे समझाते थे, जान जिंदगी में पढ़ो लिखो, कोई अच्छा काम करो। वो मुझे एक छोटे बच्चे की तरह, अपने छोटे भाई की तरह समझाते थे। He's a great, great man. आज उन्हीं की बातों का ये असर है कि मैं एक पायलट हूँ और इतने बड़े एयरलाइन का मालिक हूँ। I salute you, big brother. Thank you, John. अब मैं चिंगम सर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नारियल फोड़ के मेरी जॉन्स एयरलाइन का उद्घाटन करे, और आप लोग थोड़ा पीछे हट जाइए प्लीज। जैसे ही उद्घाटन होगा, यहाँ एक ऊंची दीवार खड़ी हो जाएगी। ये हमारे एयरक्राफ्ट के सिक्योरिटी के लिए है। फ्लाइट के पैसेंजर्स प्लीज फ्लाइट में जाए। ऑल द बेस्ट जॉन, मेरे छोटे भाई। स्टॉप द दीवार, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। मेरे फुरफुरी नगर के प्यारे भाइयों और बहनों, इस प्लेन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आपके पायलट का नाम है जॉन द डॉन, सॉरी डॉन है, सिर्फ जॉन। मेरी मौसी हेड क्रू है और उनके साथ नंबर वन और नंबर टू आपकी देखभाल करेंगे। जॉन, ये प्लेन चोरी का तो नहीं है ना? कहीं ऐसा ना हो कि हमें ऊपर ही पुलिस वाले पकड़ ले। यात्रियों से निवेदन है कि सीट बेल्ट बांध ले, हम टेक ऑफ करने के लिए तैयार हैं। और ये सीट बेल्ट कुछ खराब है, ठीक से लग ही नहीं रही। सीट बेल्ट पुरानी लग रही है, ठीक से फंक्शन नहीं कर रही है। कीमती सामान और रुपए पैसे हमारे हवाले कर दो जल्दी, वरना प्लेन से बाहर फेंक देंगे। मेरे पैसेंजर्स को कुछ मत करो, चाहो तो मेरे सारे पैसे ले लो। ये लो, ये लो और भी लो। तुम्हारे भी पैसे लेंगे, इन सब के भी लेंगे। रुको, अभी एक एक को ठीक करता हूँ। मोटू, यहाँ पे मारपीट नहीं करना प्लीज। इनकी गन अगर चल गयी तो एयरक्राफ्ट डैमेज होकर नीचे गिर जाएगा। मैंने डाकू सुना था, समुद्री डाकू सुना था, लेकिन ये हवाई डाकू कहां से आ गए? प्लेन लैंड कर रहा है, यात्रियों से निवेदन है कि अपनी सीट बेल्ट बांध ले। पर सीट बेल्ट खुली ही कब थी जो बांध रहे? अगर खुल जाती तो एक भी डाकू बच के नहीं जाता। प्लान के मुताबिक जॉन के प्लेन को चेस करके देखेंगे कि कहीं डाकू ना आ जाए, और अगर आते हैं तो कैसे आते हैं? कल तो वो बच गए थे, लेकिन आज नहीं बचेंगे। जॉन एयरलाइन अब तो खुली क्यों नहीं? क्या? प्लेन तो कमलपुर लैंड कर
गया और आज फिर उसे हवाई डाकुओं ने लूट लिया। वेट करो, अब कमलपुर से प्लेन चलेगा, तुम जमीन पे ही नजर रखेंगे। अरे तुम गलत कह रहे हो पतलू, दाल में कुछ काला नहीं बल्कि यहाँ तो पूरी दाल ही काली है। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती पतलू, अब इसका तुम ही कुछ इलाज सोचो। आइडिया, कल जब फुरफुरी नगर से प्लेन चलेगा तो हम जॉन को सबक सिखाने के लिए तैयार रहेंगे। बेटा, रोज रोज अपने प्लेन में रॉबरी करवाओगे तो तुम्हारे प्लेन में लोग बैठना बंद कर देंगे। जी, तुम ठीक कह रही हो, मैं कल से एक महीने तक लूट मार नहीं करवाऊंगा। आज आखिरी डकैती होगी। इस बार मेरा प्लेन इतना परफेक्ट है कि मोटू पतलू मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये तेरा प्लान नहीं, मेरा प्लान था। अरे मौसी, बिना पीटे कोई बात नहीं कर सकती क्या? क्लाउड की फिल्म ऑन करो। अरे ये क्या, क्लाउड्स में मछलियां उछल रही है। अरे ये कौन सी फिल्म चला दी तुमने, चेंज करो चेंज करो। ये क्या, आसमान में हिरन कहाँ से आ गए? फिल्म चेंज करो। हेलो हेलो मेरे प्यारे पैसेंजर्स, हिरनों को देख के परेशान ना हो, हम पहाड़ों के बीच से गुजर रहे हैं और यहाँ क्लाउड्स है और हिरन पहाड़ों पे है। अपने रुपए पैसे जेवर सब हमें दे दो, वरना नहीं नहीं। अरे क्यों मेरे पीछे पड़ गए हो बाबा, मेरे पैसेंजर्स को छोड़ दो, चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर लो, प्लीज मेरे पैसेंजर्स को छोड़ दो, छोड़ दो ना, जैसी तुम्हारी इच्छा पायलट। पूरी तरह से क्यों पीट रहे हो? कि लोगों को लगे कि हम एक्टिंग नहीं कर रहे हैं, किसी को तुम पे शक ना हो। अरे क्यों इतना पीट रहे हो, इतना रियल दिखाने की क्या जरूरत है? अरे लोगों को शक नहीं होना चाहिए कि हम तुम्हारे आदमी हैं। अरे इतनी बुरी तरह अगर मुझे मारोगे तो मैं किसी का भी आदमी नहीं रहूंगा। पाए मेरे यारो, तुम लोग नर्क के द्वार पे आ गए हो यार। चित्रगुप्त, अब ये लोग जब यहाँ पे आ गए हैं तो पता करो किसका नर्क जाने का समय आ गया है यार। जी महाराज, आप भी देखता हूँ। जॉन कौन है? उसका टाइम आ गया है, तो जॉन है वो अपना हाथ खड़ा करो। मुझे बचा लो प्लीज। वो यमराज भी आ गए हैं, लेकिन यमराज यहाँ आए तो आए कैसे, हमें तो जमीन पे ही होना चाहिए था। ये नरक कहाँ से आ गया? जॉन मेरे साथ चलो। नहीं नहीं, प्लेन को तो
आसमान में ही होना चाहिए। हम आसमान में कैसे आ गए? आसमान में क्यों है? कैसे है? क्या वजह है? यमराज जी सॉरी, वेरी सॉरी, हमें छोड़ दो। तू पतलू दोनों, तुम दोनों मेरे हर प्लान को फेल कर देते हो। बस जी, इन्हें मारो, इन्हें पीटो। The name is Chingam, और Chingam के चंगुल से बचना ये impossible, बोले तो ये impossible। You all are under arrest। दोस्तों, जॉन की चाल मैं डिटेल में बताता हूँ। अरे मारो! जॉन पकड़ो, भागो! मौसी जी, मारो उसे। ये किसी काम का नहीं। अच्छा खासा प्लान इसने चौपट कर दिया। अरे छोड़ना मत, मारो उसे पकड़।